हेलो गाइस, आज हम लोग फिर पढ़ेंगे फ्लैट को, फाइनाइट फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा थ्योरी। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ऑटोमेटा थ्योरी क्या होती है, फिर हम लोगों ने डिस्कस किया उसके एग्जांपल एटीएम मशीन वाली, फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फाइनाइट स्टेट मशीन क्या होती है और स्ट्रिंग्स क्या होती है, उसकी वैलिडेशन कैसे चेक करते हैं, और फ्लैट को हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज़ करते हैं, एक कॉम्प्यूटेशन मॉडल डेवलप करने में काम करते हैं। एक कॉम्प्यूटेशन मॉडल वो होता है जिसके ऑटोमेटिक ट्रांजिशंस हो और जिसके फाइनाइट स्टेट हो। हम लोग ने ये डिस्कस किया था। आज हमें पढ़ना था कि क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनाइट स्टेट मशीन, कि फाइनाइट स्टेट मशीन कितने तरह की होती है। तो फाइनाइट स्टेट मशीन दो तरह की होती है, एक होती है फाइनाइट स्टेट मशीन विदाउट आउटपुट, एक होती है फाइनाइट स्टेट मशीन विद आउटपुट। तो विदाउट आउटपुट में पहले आते हैं। विदाउट आउटपुट क्या होती है, ये दो तरह की होती है। मतलब एक ऐसा बेसिक फाइनाइट स्टेट मशीन, एक ऐसा मशीन जिसके स्टेट्स फाइनाइट है और जिसका आउटपुट कुछ ना आए, विदाउट आउटपुट, जिसका आउटपुट ही ना आए, वो होता है फाइनल स्टेट मशीन विदाउट आउटपुट। बेसिक सर, वो दो तरह के होते हैं, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट डेटा, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटिक मतलब डेटा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट डेटा, एक डीएफए एंड एनएफए। सो अब हम लोग बात करते हैं डीएफए और एनएफए क्या होती है। इससे पहले हम समझते हैं कि डीएफए और एनएफए में हम लोग करते क्या है, मतलब बेसिकली समझो कि काम कहाँ आता है। अगर हमें ये पता होगा कि ये सब काम कहाँ आता है तो हम इसे बेहतर समझ सकते हैं। तो सबसे पहले तो डीएफए पे आ गए, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट डेटा। ये डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट डेटा जो होता है, ये हम लोग कंपाइलर डिजाइन करने में काम आता है। कंपाइलर डिजाइन करने इन द सेंस, आपने सी या सी प्लस प्लस में कोडिंग की होगी तो आपने उसके कंपाइलर देखे होंगे। तो कंपाइलर जो होता है वो डीएफए के हेल्प से, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट डेटा के हेल्प से हम लोग उसको डिजाइन करते हैं। एनएफए क्या होता है, एनएफए बेसिकली कुछ काम नहीं करता, एनएफए इनडायरेक्टली हेल्प करता है कंप्यूटेशन मॉडल बनाने में। ये जो कंपाइलर है ये क्या है, कंपाइलर एक कंप्यूटेशन मॉडल ही तो है। हम लोग एक प्रोग्राम लिखे है सी में या सी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर, तो कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर खुद ब खुद उस प्रोग्राम को स्कैन करता है, उसमें कोई सेंटेंस एरर होगा उसको डिटेक्ट करता है और भी बहुत सारे काम करता है। तो ये ऑटोमेटिक ट्रांजिशन वाले काम करते हैं, तो इसीलिए इसे कंप्यूटेशन मॉडल बोलते हैं। और ये कंप्यूटेशन मॉडल डिजाइन करने का काम किसका होता है, डीएफए का होता है। एनएफए का काम क्या, इनडायरेक्टली यूज होता है इन द सेंस कि एनएफए को हम लोग डीएफए में कन्वर्ट करते हैं, एनएफए को हम लोग डीएफए में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसे कंप्यूटेशन मॉडल बनाते हैं। तो एनएफए डायरेक्टली कोई काम नहीं आता, बेसिकली इट एक्ट्स इनडायरेक्टली इन सॉल्विंग सम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। ये होगा। तो हम लोग ने समझ लिया कि एनएफए डीएफए काम कहाँ आते हैं। अब हम समझते हैं कुछ और बातें एनएफए और डीएफए के बारे में। सबसे पहले तो एनएफए और डीएफए पे आते हैं। पहले डीएफए पे क्या होता है, डीएफए पे आते हैं। डीएफए लाइक दिस, हम लोग पास एक स्टेट है, दो स्टेट है मान लेते हैं। फर्स्ट स्टेट है ए, ए इज इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट कैसे बोल सकते हैं, हम लोग ने कल में डिस्कस किया था कल के क्लास में, कि जिसमें इनकमिंग एरो आ रही होती है वो होती है अपनी इनिशियल स्टेट। और बी में, बी अपनी फाइनल स्टेट नहीं है। फाइनल स्टेट किस नोट करते हैं, डबल सर्कल से फाइनल स्टेट को डिनोट करते हैं। तो इसमें कोई फाइनल स्टेट नहीं है। इफ एनी स्टेट शोज एनएफए देन होल मशीन विल बी एनएफए। ये क्या लिखा बताता हूँ। अगर मान लेते हैं अपने पास इसमें तो दो स्टेट है, मान लेते हैं इसमें आने वाले में बहुत सारे स्टेट्स आ जाएंगे, मान लेते हैं कुछ एन स्टेट्स आ गए। अगर एक स्टेट्स में, किसी एक स्टेट में भी एनएफए पाया जाता है तो समझो कि पूरा पूरा का पूरा मॉडल ही एनएफए। एनएफए क्या होता है, इसमें आप थोड़ा समझते हैं हम लोग। एनएफए होता क्या है, एनएफए ये यहाँ यहाँ देखते देखो, इसके यहाँ से देखो, इस पोर्शन से देखो। हम लोग एक मॉडल बनाते हैं, ये ए ए स्टेट है, ये बी स्टेट है। हम लोग ये इनिशियल इनिशियल स्टेट हो गया क्योंकि इसमें इनकमिंग एरो आ रही है। अब हम लोग ए स्टेट पे हैं, ए स्टेट पे हम लोग स्ट्रिंग्स डालते हैं, आपको याद था हम लोग स्ट्रिंग्स का आउटपुट डाल रहे हैं। इसमें हम लोग जीरो और वन डाल रहे हैं एज अ इनपुट, हम लोग इसमें स्ट्रिंग्स डाल के जीरो और वन एज अ इनपुट डाल रहे हैं। तो पहले जीरो डाले, तो ए पे जीरो डालने पे वो सेल्फ, यानी कि ए पे जीरो डालने पे वो ए पे ही आ गया, सेल्फ लूप बन गया। और ए पे वन डाला तो सीधा बी पे पहुंच गया। तो हम लोग बी पे पहुंच गए, बी पे जीरो डाला तो वो बी पे ही आ गया, सेल्फ लूप कर लिया। और बी पे जीरो डाला तो वो ए पे आ गया, मतलब बी पे जीरो डालने पे वो बी पे भी रह रहा है और एक और बार जीरो डालने पे वो ए पे भी चला जा रहा है। तो ये तो काफी कंफ्यूजन हो गया ना, कि बी पे जीरो पे यार वो सेल्फ लूप भी कर रहा है और वो ए पे भी जा रहा है,
यहाँ पर कंफ्यूजन आ गया। तो जिस जगह पे कंफ्यूजन आता है वहां पर एनएफए आ जाता है। एनएफए यानी कि नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनल डेटा, जिसको हम लोग डिटरमाइन ना कर सके, जिसको जिसका ऑटोमेशन, जिसका ट्रांजिशन हम लोग डिफाइन ना कर सके कि कौन से इनपुट डालने पे वो डेटा किस टाइप पे बिहेव करेगा। जैसे बी एक स्टेट था, बी स्टेट में हम लोग ने जीरो का डाला तो एक तो बी पे ही रह गया और जीरो का डाला तो ए पे भी चला गया। तो ये हो गया एनएफए के एग्जाम्पल्स। तो देयर इज अ कंफ्यूजन इन बी देन एनएफए। और एक एग्जाम्पल ये देखते हैं, इस पे क्या है, इनिशियल स्टेट था ए, ए पे जीरो डाला तो ए पे रह गया और वन डाला तो बी पे पहुंच गया, सही है। बी पे जीरो डाला तो बी पे रह गया और वन डाला तो ए पे पहुंच गया, बिल्कुल सही। इस पे क्या है, इस पे अलग अलग आउटपुट पे अलग 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 इनपुट पे अलग अलग आउटपुट आ रहा है। तो ये एक डीएफए हो गया, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट डेटा हो गया। तो आपको अब डिफरेंस समझ में आ गया होगा ये सब होता क्या है। हमने देखा कि ये काम कहाँ आते हैं, कंपाइलर डिजाइन में आते हैं, ये कुछ खास काम नहीं आते, इसको कंट्रोल इसको कन्वर्ट किया जाता है डीएफए में, फिर इससे हम लोग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। फिर हमने देखा कि बेसिकली अंतर क्या होता है दोनों में, कंफ्यूजन होती है कि क्या होता है, हम लोग ये देखा। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या था अपना, नेक्स्ट था फाइनाइट स्टेट, क्या फाइनाइट स्टेट मशीन विद आउटपुट। हम लोग अभी तक पढ़े विदाउट आउटपुट, विदाउट आउटपुट में हम लोग पढ़ा डीएफए एनएफए, अब हम लोग पढ़ते हैं विद आउटपुट। विद आउटपुट में हम लोग को दो मशीन के बारे में पढ़नी है, एक होता है मॉरिस मशीन, एक होता है मेलिस मशीन, मॉरिस मशीन और मेलिस मशीन। ओके, सो अभी हम लोग इस पे नहीं आते, हम लोग पहले इनको पढ़ते हैं ठीक से, डीएफए और एनएफए को, और उनका कन्वर्जन पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं कि हाँ कि ये फाइनाइट स्टेट मशीन विद आउटपुट के एग्जाम्पल्स कैसे, जैसे आपने बताया कि कंपाइलर डिजाइन करने का एग्जाम्पल है एक, इससे हम लोग कर सकते हैं विदाउट आउटपुट से। तो हम लोग बताओ विद आउटपुट से क्या कर सकते हैं, विद आउटपुट से हम लोग डिजिटल सर्किट्स को डिजाइन कर सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल है कि डिजिटल सर्किट्स को डिजाइन करने में हमें एफएसएम का, एफएसएम विद आउटपुट का काम आता है, और मॉरिस मशीन और मेलिस मशीन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं बेसिकली कि डीएफए में टपल्स क्या होती है, टपल्स होती है पांच टपल्स होती है, उन पांचों टपल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ एट्रीब्यूट्स होती है टपल्स, यानी कि एट्रीब्यूट्स होती है डीएफए में, हम लोग डीएफए के अच्छे से डिस्कशन करेंगे। और हम लोग डिस्कशन करेंगे इसकी एनएफए की भी डिस्कशन करेंगे, और फिर हम लोग ने पढ़ेंगे कि इन दोनों का एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, ये रिलेशन पढ़ेंगे एक दूसरे के साथ। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कन्वर्जन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, कि हम लोग एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट कैसे करते हैं। ये 7 मार्क्स में पूछा जाता है, कोई भी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में 7 मार्क्स में पूछते हैं ये सवाल कि हम लोग एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो उससे पहले वो तो हम लोग सीखेंगे ही सीखेंगे, उससे पहले हम लोग को थोड़ी स्ट्रिंग्स के बारे में बात करनी है कि स्ट्रिंग्स क्या होती है और सब स्ट्रिंग्स क्या होती है, सेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स कैसे निकालते हैं, प्रीफिक्स क्या होती है, सफिक्स क्या होती है, बहुत कुछ पढ़ना है। फिर हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जन, और फिर हमारा ये कुछ पोर्शन तो खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। तो थैंक यू।